हाय एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एक आफ्टर वॉश रिव्यू। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुर्तीज़ भी है, कुर्ता सेट भी है, ड्रेसेस भी है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे इस वीडियो के लिए, तो मैंने सोचा चले शेयर करते हैं। तो आजकल मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मैं जो भी शॉपिंग करती हूँ कैश करो के थ्रू ही शॉपिंग करती हूँ, इससे मुझे एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। तो गाइस, आजकल फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस अकॉर्डिंग अगर देखे थोड़े पैसे हमारे बच जाए, थोड़ा आप आजियो से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, कहीं से भी शॉपिंग करते हैं आपको काफ़ी सारा कैशबैक मिलता है। तो गाइस, मैंने जो ये शॉपिंग की थी अमेज़ॉन और मिंत्रा की, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, कैश करो के थ्रू ही शॉपिंग की थी, इससे मुझे जो है काफ़ी सारा कैशबैक मिला। अगर आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं तो 4.5% का आपको रिवॉर्ड मिलता है, और अगर आप मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं तो 6% का कैशबैक मिलता है। आई थिंक ये बहुत अच्छी डील है। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि दीदी आप प्लीज़ ये वाले लिंक मत दिया करो, कैश करो वाले, हमको डायरेक्ट ही बाय करना होता है। देखो, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे भी बाय करें। मेरा काम है आपको लिंक देना। अगर आपके पैसे बच रहे हैं तो इसलिए मैं आपको लिंक देती हूँ, लेकिन अगर आप परचेज़ नहीं करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। इस बार से मैं वीडियो में आपको दोनों लिंक भी दे दूँगी, डायरेक्ट लिंक भी और कैश करो लिंक भी। आप जहाँ से चाहें वहाँ से परचेज़ करें, वो आपके ऊपर है। तो मैं तो शॉपिंग करती हूँ वो कैश करो के थ्रू ही करती हूँ, इससे मुझे एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिल जाता है, मेरी सेविंग हो जाती है, मैं उसे नेक्स्ट शॉपिंग में यूज़ ले लेती हूँ। तो कैश करो की सबसे अच्छी बात क्या है, जो कैशबैक मिलता है ना वो रियल कैश होता है। आप 250 से अबव होने पर आप उसे बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अपनी नेक्स्ट शॉपिंग में यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप शॉपिंग कर सकते हैं कैश करो के थ्रू। तो आज मैं आपके साथ कुर्ता और कुर्ता सेट शेयर करूँगी, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और ये एक आफ्टर वॉश रिव्यू है। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे मैं आपको कैश करो को कैसे यूज़ करना है और साइन अप जर्नी मैं आपको आगे बता दूंगी। जो फर्स्ट ड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही प्रिटी ड्रेस है। ये मैंने वीडियो में शेयर की हुई थी, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मुझे इसका आफ्टर वॉश रिव्यू दिखाने को। एक मैक्सी ड्रेस टाइप ड्रेस है, पर मुझे एक कलरफुल ड्रेस है इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिटी लगी। आप देख सकते हो इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कुछ इस तरीके की ये ड्रेस मिल जाएगी। अंदर इसमें जो है इनर लगा हुआ है, पूरा ये वाला साटिन का इनर मिल जाएगा, वाइट एंड इस तरीके की इसमें नेक है, दो डोरी दी गई है शोल्डर के लिए, आप इन्हें टाई अप कर सकते हो। और कुछ इस तरीके का ये फ्रंट आने वाला है, यहाँ पे आप इसे टाइट वगैरह कर सकते हो शोल्डर पे से, सॉरी वेस्ट पे से। और काफ़ी कलरफुल ड्रेस है, आप देखिए कितनी ज़्यादा प्रिटी है, सब कलर्स इसमें दिए गए हैं। अगर आप वैकेशन पे जा रहे हो उस अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छी ड्रेस है। मुझे ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लगी, कैजुअल से लेकर आप इसे कैसे भी वियर कर सकते हो, वैकेशन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने वाली ड्रेस परचेज़ की थी। और आफ्टर वॉश आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्यारी है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई बिल्कुल भी। ये मतलब इसका फैब्रिक तो वैसे ही बहुत अच्छा था, शिफॉन की ड्रेस है, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है, तो मैंने क्या इसे बिल्कुल ही हाथ से वॉश किया था एक्सल में डाल के बिल्कुल। तो आप देख सकते हो कलर इसके एज इट इज़ है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे, कलर में श्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं हुई है, कहीं से थ्रेड वगैरह भी नहीं निकले। तो ये ड्रेस मैं आपको बिल्कुल हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप लेना चाहते हैं तो ये वाली ड्रेस बाय कर सकते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था। और ड्रेस मैं टॉप शेयर कर रही हूँ, ये वाली टॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये वाली टॉप मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, मैंने इसे काफ़ी बार वॉश कर लिया है, लेकिन ये एज इट इज़ है, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारी सी शिफॉन में टॉप है ये वाली, ब्लैक कलर की विद एम्ब्रॉयडरी, एंड इस तरीके की पूरे पे नेक पे एम्ब्रॉयडरी की हुई है थ्रेड से, कलरफुल थ्रेड से, और काफ़ी नीटली है। हाई नेक मिल जाएगी, पीछे टाई अप करने के लिए इन्होंने बटन्स दे रखा है, तो कुछ इस तरीके की ये वाली टॉप है। बेल स्लीव्स है, स्लीव्स पे इनर नहीं मिलेगा, एंड इसमें आपको इसमें आपको पूरे टॉप में अंदर इनर मिल जाएगा। बैक साइड आपको कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, जैसे चिकनकारी कुर्ता आते हैं उस तरीके का, छोटा छोटा इसमें चिकन का काम किया गया है। इसे मैंने काफ़ी बार वॉश कर लिया, मतलब इसको मुझे परचेज़ किए हुए शायद 1 ईयर होने वाला है, और इसे मैंने काफ़ी बार पहन लिया और वॉश कर लिया है, लेकिन ये एज इट इज़ है, बिल्कुल भी श्रिंक वगैरह नहीं हुई है, कहीं से भी थ्रेड नहीं निकले हैं, आप एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो आज भी कितनी क्लीन है। नेक्स्ट कुर्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है ब्रांड अनॉक से। अनॉक की मैं काफ़ी ज़्यादा आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, मुझे अनॉक के डिज़ाइन पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़े कॉस्टली आते हैं अनॉक, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन होते हैं। तो ये वाली कुछ इस तरीके की ड्रेस है, एंड आप देख ड्रेस है सॉरी कुर्ती है,
कुछ इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा। प्रिंटेड कुर्ती है, हाफ एंड हाफ में है, नीचे का साइड आपको पूरा प्लेन मिलेगा। स्ट्रेट कुर्ती है, लेंथ बहुत ही अच्छी है इस कुर्ती की, नीच से नीचे आती है। मेरी हाइट 5.5 है और फिर भी ये नीच से नीचे आती है। आप इसे पेयर अप कर सकते हैं किसी भी पैंट के साथ, प्लाजो के साथ, काफ़ी यूनिक लुक आता है। और इसे भी मैंने बाय किया था शायद लास्ट ईयर, एंड आप देख सकते हो अभी भी इसकी जो है क्वालिटी आप देख सकते हो, बिल्कुल भी एज इट इज़ कलर यों की यही है, बिल्कुल भी कहीं नहीं गए। बिल्कुल आप देख सकते हो ब्लैक कलर में ऐसे स्पोर्ट्स आ जाते हैं वाइट कलर के, लेकिन इस कपड़े के साथ, इस वाली कुर्ते के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी एज इट इज़ ये कुर्ता मिल जाएगा। इसमें जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो है स्मॉल साइज़, आपको इस पर एक्सल और डबल एक्सल तक के साइज़ मिल जाएगा। इसे मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया था, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। इस तरीके की इसमें स्लीव्स दी गई है, वो बहुत ही अच्छी रखती हैं ये वाली स्लीव्स। और अगर मैं फैब्रिक की बात करती हूँ इस वाले का, तो थोड़ा सॉफ्ट सा फैब्रिक है, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद कॉटन का, तो बैक का तो कॉटन फैब्रिक है, लेकिन आगे का थोड़ा सिंथेटिक टाइप का फैब्रिक है। बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट फैब्रिक है, और यहाँ पर आपको इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुर्ता सेट, ये वाला कुर्ता सेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है। ये मैंने मेरी मॉम के लिए अभी परचेज़ किया था, शायद 1 या 2 मंथ हुए हैं, और बहुत अच्छा था। कई लोग बोलते हैं कि गोल्डन प्रिंट है जो चले जाता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। ये वाला कुर्ता कुछ इस तरीके का मिलेगा, ग्रीन कलर का कुर्ता है। ये मैंने अमेज़ॉन से कुर्ता सेट परचेज़ किया था, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला था, और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये वाला कुर्ता सेट, इसलिए मैंने परचेज़ किया था। मेरी मॉम ने इसे काफ़ी टाइम पहना हुआ है, मतलब 2 मंथ्स होने वाले हैं इसको, लेकिन बहुत ही अच्छा कुर्ता सेट है, काफ़ी अच्छे से वॉश किया है। लेकिन आप देख सकते हो गोल्डन प्रिंट इसका एज इट इज़ है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं गया है, कहीं से भी नहीं छूटा है, नॉर्मल जैसे वॉश करते हैं वैसे ही वॉश किया था। तो ये वाला कुर्ता सेट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर फैब्रिक की बात करती हूँ, रेयॉन का फैब्रिक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके के बटन्स लगवाए हुए हैं, और इसमें जो साइज़ है वो है, एक मिनट, एल साइज़ है, मेरी मॉम के एल साइज़ आता है, तो ये एल साइज़ परचेज़ किया था। 3/4 इसमें स्लीव्स है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की लेस दी हुई है। स्ट्रेट कुर्ती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी मुझे ये वाला कुर्ता सेट अफोर्डेबल प्राइस में, इसलिए परचेज़ किया था। थोड़ा डर था कि ये जो गोल्डन प्रिंट होता है वो चले जाता है, लेकिन इस वाले कुर्ते के साथ ऐसा नहीं हुआ, काफ़ी बार वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं एज इट इज़ ये वाला कुर्ता सेट है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो इसके नीचे का प्लाजो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ इस तरीके का प्लाजो मिलेगा, क्रीम कलर का प्लाजो है, और नीचे ये गोल्डन प्रिंट आप देख सकते हो, इसका भी एज इट इज़ गोल्डन प्रिंट है, बिल्कुल भी मुझे वॉश करने के बाद भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, आप देख सकते हो बिल्कुल एज इट इज़ है। तो इस तरीके का प्लाजो मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी चौड़ाई है प्लाजो की, ऊपर इन्होंने इलास्टिक दिया हुआ है, और ये जो प्लाजो है ना ये कॉटन का प्लाजो है, बिल्कुल भी श्रिंक वगैरह नहीं हुआ है, एज इट इज़ है ये वाला प्लाजो। एंड इस तरीके का इसमें कुछ दुपट्टा है, मैं आपको आज वो ही कपड़े शेयर कर रही हूँ जो मैं आपको, मतलब मैंने काफ़ी बार उन्हें वॉश कर लिया है, पहन लिया है, और जब मैं खुद अंदर से सेटिस्फाइड हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप उन्हें बाय कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके का ये वाला कुर्ता, वो सॉरी दुपट्टा मिलेगा, आप देख सकते हैं पूरा गोल्डन प्रिंट एज इट इज़ है इसमें भी, और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा गोल्डन प्रिंट किया गया है। राइस कैश करो पर शॉपिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, जस्ट 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं, और आप इसके साथ एक्स्ट्रा कैशबैक के साथ शॉपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको कैश करो पर साइनअप करना है, यानी कि अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद आपको जिस भी वेबसाइट पर शॉपिंग करनी है वो सर्च करनी है ऊपर सर्च बार में जाके, उसके बाद आपको ऑरेंज बटन पर क्लिक करना है, वो सारे कूपन्स आपके वहां शो होने लग जाएंगे। उसके बाद आपको विजिट रिटेलर पर क्लिक करना है, एंड देन आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जिस पे भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं। फिर आप इजीली जैसे शॉपिंग करते हैं वैसे ही शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट को वहाँ पे सर्च करना है, ऐड टू कार्ट करना है, बाय करना है, और बाय करने के बाद आप नॉर्मल जैसे पेमेंट करते हैं वैसे पेमेंट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा कैशबैक के साथ शॉपिंग कर सकते हैं। कैशबैक आपको नीचे शो होगा आपके कैश करो के अकाउंट में, जो 19 डेज तक पेंडिंग बताएगा, 19 डेज बाद आप उसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या वाउचर ले सकते हैं, पर हाँ 250 से अबव होने पर ही आप इसे बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैश करो के साथ शॉपिंग कर सकते हैं, बस कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो कर। अब जो नेक्स्ट
कुर्ती मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी नहीं है, मेरी सिस्टर की है, उसने अमेज़ॉन से परचेज़ की थी। एंड इस तरीके की आपको एक ग्रीन कलर में शर्ट वाली कुर्ती मिलेगी, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है इसका। इससे उसने काफ़ी बार पहन लिया है, वॉश कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़ है। इसमें आपको फ्लावर प्रिंट मिल जाएगा अंदर, और ये अटैच्ड इसमें जो है श्रग आता है। यहाँ पे इन्होंने इसमें इस तरीके की ये लेस दी हुई है, पर्ल वाली लेस है जो इसमें अटैच की हुई है, गोल्डन। बहुत ही प्यारी कुर्ती है। अंदर का जो फैब्रिक है वो सिंथेटिक फैब्रिक का जो आता है वो ही है, और ऊपर इन्होंने ये जॉर्जेट फैब्रिक का इसमें शर्ट अटैच किया है। पीछे आपको पूरा प्लेन मिल जाएगा ग्रीन कलर का, तो आप इसे एज ए वन पीस भी कैरी कर सकते हैं, एज ए कुर्ती भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती लगी मुझे, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। एंड वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़ है, काफ़ी बार उसने पहन लिया है, वॉश लिया है। ड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने बहुत सारी वीडियो में पहनी हुई है और शेयर भी की हुई है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है, मैं इसे काफ़ी लंबे टाइम से पहन रही हूँ, शायद 6-7 महीने हो गए मैंने इसे परचेस की हुई है, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा प्रेटी है। ये एक फ्लावर प्रिंट ड्रेस है, पूरे पे आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे। ये मैंने मिंत्रा से परचेस की थी, और इसमें जो मैंने साइज़ परचेस किया है वो है स्मॉल साइज़। कुछ इस तरीके की ये वाली ड्रेस है, एंड आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है। यहाँ पे है ना बटन्स मिल जाएंगे इस ड्रेस में, पूरी में यहाँ तक ये वाली ड्रेस, एक मिनट, हाँ ये वाली ड्रेस पूरी ओपन होती है। आप इसे एज ए शर्ट वगैरह उस तरीके से भी वियर कर सकते हैं, पूरी ओपन हो जाती है। ये वाली ड्रेस बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी। सबसे अच्छा लगा मुझे इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, लाइक मैंने इसे इतनी बार पहन लिया है, वॉश कर लिया है, लेकिन इसका फैब्रिक एज इट इज़ है, ऐसे कि ऐसे सॉफ्ट है। रियोन फैब्रिक में मिल जाएगी ये वाली ड्रेस, एंड मुझे कलर बहुत अच्छा लगता था इसका कलर प्रिंट, और इतनी बार वॉश करने के बाद भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डार्क कलर है, बिल्कुल भी लाइट नहीं हुआ। 3/4 स्लीव्स है, और लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, नीस से नीचे आपको लेंथ मिल जाएगी इस ड्रेस की। ये मैंने मिंत्रा से परचेज की थी। अब जो लास्ट ड्रेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ इस तरीके का कुर्ता सेट है, मैं पिक्चर साइड में अपलोड कर दूंगी, इसकी मैं वीडियो शेयर नहीं कर सकती, ये मेरी मॉम का है। तो इस तरीके का कुछ रेयॉन का कुर्ता मिल जाएगा, इसमें कलर ऑप्शन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे। पूरा प्लेन कुर्ता है, अनारकली के फ्लेयर वाला कुर्ता है, पूरा प्लेन आप देख सकते हो। राउंड नेक है, एंड इसमें जो साइज़ है वो भी एल है। 3/4 स्लीव्स मिल जाएंगी। इसमें नेवी ब्लू कलर का कुर्ता है, बहुत ही प्यारी ड्रेस लगती है वियर करने के बाद। कुर्ता सेट अफोर्डेबल प्राइस में है, काफ़ी लोगों ने परचेज भी किया होगा, लेकिन मैंने इसे काफ़ी बार, मेरी मॉम ने इसे काफ़ी बार वॉश कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हो बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ है, एज इट इज़ है। बस हाँ, इस वाले ड्रेस के साथ मैं बोल सकती हूँ इसमें है ना ऐसे सल बहुत जल्दी हो जाती है, अगर आप इसे ऐसे प्रेस करके भी अंदर रखते हो तो भी इसमें बहुत जल्दी जब आप निकालोगे ना तो इसमें सल मिलेगी। मतलब आपको जब भी आप इसे पहनो तो आपको प्रेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नीड हो जाएगी प्रेस की, तो इसमें प्रेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी और कोई मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं लगी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा कुर्ता है। तो इस तरीके का कुछ कुर्ता मिल जाएगा। इसमें प्लाजो जो इन्होंने इसमें दिया है बिल्कुल सिंपल इलास्टिक वाला रेयॉन का ही प्लाजो दिया है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसे प्रेस करके लेके आई थी दिखाने के लिए, वीडियो में निकाला जाता हूँ, और आप देख सकते हो इसमें कितनी ज़्यादा सेल है। तो इस तरीके से ये वाला प्लाजो मिल जाएगा। प्लाजो का आप फ्लेयर भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, और रेयॉन फैब्रिक है तो बहुत ही अच्छा प्लाजो है। दुपट्टा मुझे इसका सबसे ज़्यादा प्रिटी लगा, फ्लावर प्रिंट में कुछ इस तरीके का दुपट्टा मिल जाएगा। लेंथ की बात करती हूँ दुपट्टे की, तो 2 मीटर से ज़्यादा ही आपको ये दुपट्टा मिलेगा, और दुपट्टे का जो फैब्रिक है वो रेयॉन फैब्रिक में मिक्स ही है कुछ, पर बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। और पूरे दुपट्टे में इस तरीके से इन्होंने टसल्स लगवाए हुए हैं, पूरे ब्लू कलर के इसमें टसल्स मिल जाएंगे, एंड पूरे में इस तरीके का फ्लावर प्रिंट किया हुआ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है दुपट्टे की, तो बहुत ही अच्छा आने वाला है ये वाला दुपट्टा। एंड आप तो गाइस, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, आफ्टर वॉश रिव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और कुछ देखना चाहते हैं आफ्टर वॉश तो मुझे कॉमेंट करिए, बताइएगा ज़रूर, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।